Hello my dear students, have a nice day for you. In our previous video, we already finished our chapter, I love my India. Dear students, previous जो video था उस video में हमने इस chapter से related जो topics थे जो topics इस chapter में include हुए उन topics को हमने अच्छे से study किया. Physical features जो India के थे उनको हमने study किया. नेबरिंग कंट्री जो इंडिया की थी उसको भी हमने इसके अंदर पढ़ा और नेचुरल रीजन जो इंडिया के हैं जिसके अंदर 6 नेचुरल रीजन थे उनको भी हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया था. 6 नेचुरल रीजन के अंदर हिमालय रीजन, नॉर्थन प्लेन, इंडियन डेजर्ट और फिर प्लेट्यू और कोस्टलाइन और एट द लास्ट हमने पढ़ा था किसके अंदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर. इस तरह से नेचुरल रीजन्स को कंप्लीट किया और फिर क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सीजन इन इंडिया, इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हम बढ़े थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. क्वेश्चन आंसर्स के अंदर सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन को हमने कंप्लीट किया था और उसके बाद के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक जो थे उन्हें कंप्लीट किया और एट द लास्ट हमने मैच द फॉलोइंग. यहाँ तक का वर्क हम प्रीवियस हमारे जो वीडियोज थे उनमें कंप्लीट कर चुके हैं. एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो प्रीवियस जो वीडियोस के जो वर्क थे उसको रीमेमोराइज करवा दिया है. आज का ये जो वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, लास्ट फेज रहेगा जिसके अंदर हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 को कंप्लीट करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के इस टॉपिक में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन नियर राइट इन नॉट ऑन द इंडियन डेजर्ट. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए इस वर्क को कम्प्लीट हम नोटबुक के अंदर करेंगे. सेकेंड, वर्ड इज़ ए प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या है. फिर इसने दिया कोई शॉर्ट नोट लिखना है कोस्टल प्लेन के ऊपर और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ऊपर. फिर नंबर 4 में दिया नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया और एट द लास्ट दिया वॉय और द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया फर्टाइल की क्या रीजन है कि नॉर्थन प्लेन इंडिया का फर्टाइल होता है. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इसने 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, इनके हम आंसर्स की तरफ चलते हैं. लेट्स फोकस एंड कीप कंसंट्रेशन. Dear students, this is the first question. Write a note on the Indian desert. Indian desert के ऊपर हमें note लिखना है. The Indian desert lies in the western part of India. की western part जो India का है वहाँ Indian desert फैला हुआ है. The land is dry, जिसके अंदर जमीन सूखी है, desert है ना रेगिस्तान, sandy and unfertile due to very less water. बहुत कम पानी की वजह से ये area बिल्कुल ड्राई, सैंडी और अनफर्टाइल रहता है. ओनली सम ट्रीज लाइक डेट पाम एंड बबूल आर फाउंड, कुछ ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं. तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ जिसमें हमें इंडियन डेजर्ट के ऊपर एक नोट लिखा. डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारा है राइट व्हाट इज ए प्लेट्यू, प्लेट्यू किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं. द प्लेट्यू इज एन अनइवन लैंड, अनइवन लैंड को प्लेट्यू बोलते हैं जो क्या होता है हायर देन द प्लेन्स एंड लोअर देन माउंटेन्स, माउंटेन से छोटा, माउंटेन से कम ऊंचाई वाला जबकि जो हमारा प्लेन एरिया है उससे ऊंचाई वाला. द प्लेट्यू रीजन इज स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ. तो ये हमने एक छोटा सा आंसर किया किसके लिए, वॉट इज ए प्लेट्यू के क्वेश्चन के लिए. स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट किस पर लिखना है, फर्स्ट कोस्टल प्लेन के ऊपर लिखना है और सेकंड शॉर्ट नोट लिखना है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की तरफ. तो इन दोनों के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है. पहले जो ए की तरफ था या ए के अंदर जो इंक्लूड किया गया कोस्टल प्लेन उसके ऊपर शॉर्ट नोट क्या लिखा हमने, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लाइज एलोंग द सी कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो समुद्री इलाका है उसकी तरफ कोस्टल प्लेन फैला हुआ है. मैनी रिवर्स फ्लो, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर फ्लो होती हैं एंड वाटर दीज प्लेन्स और इस एरिया को एक तरह से पानी से भरपूर करती हैं. सो दीज प्लेन्स आर ऑल्सो वेरी फर्टाइल, तो इसलिए कोस्टल प्लेन वाला जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है. नंबर 2 बी की तरफ चलते हैं जिसको हमें डिफाइन करना है, जिसके ऊपर भी हमें नोट लिखना है, ग्रुप्स ऑफ आईलैंड्स. There are 2 groups of islands in the Indian Ocean. Indian Ocean के अंदर 2 group जो हैं उनमें islands हैं. जैसे first इसने लक्षद्वीप islands are in Arabian Sea. लक्षद्वीप जो हैं वो कहाँ हैं, अरबियन सी में हैं. अंडमान एंड निकोबार islands are in Bay of Bengal. तो इस तरह से हमने group of islands वाला जो topic था उसके ऊपर भी एक छोटा सा short note लिखा. डियर स्टूडेंट्स, अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं. नंबर 4 के अंदर क्या दिया, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है पड़ोसी जो देश हैं उनके हमें नाम लिखने हैं. तो हमने यहाँ लिखा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका.
ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, और नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। एट द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया फर्टाइल, इंडिया का जो नॉर्थर्न प्लेन है वो फर्टाइल उपजाऊ क्यों है। क्या कहा इसने, देखो इसका आंसर में द गंगा यमुना सतलज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्लो एंड वाटर दीज प्लेन्स, की गंगा यमुना सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स इस एरिया में बहती हैं, इस वजह से यहाँ का एरिया क्या होता है, सो दीज एरिया या दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, इस वजह से ये एरिया फर्टाइल होता है। डियर स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस इंक्लूड थे हमारे डी ब्लॉक के अंदर, और 5 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर क्लियर आंसर कंप्लीट किए हैं। आपको भी इस वर्क को अपनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, अपनी फ्रेंड नोटबुक में कंप्लीट करना है। एक बार फिर से मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर स्लो मोशन के अंदर, स्लो पोज के अंदर आपके सामने वीडियो लेकर के जा रहा हूँ। आपको अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से समझ करके इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सिक्वेंस के साथ में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोकस किया जा रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 1, जिसका क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके साथ में हैं, और उसके बाद के अंदर हम चलेंगे नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद में हम चल रहे हैं नंबर 3 की तरफ, और 3 के बाद में ऑब्वियसली हम चलेंगे नंबर 4 की तरफ, और नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद में एट द लास्ट हम चलेंगे नंबर 5 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को कंप्लीट किया। हैव ए नाइस डे फॉर यू, थैंक यू सो मच।